कांग्रेस का आरोप है ये बौखलाहट है सरकार की, डराना चाहती है वो विपक्ष को, तानाशाही है। हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं द्वारका कोर्ट के सामने, हिमांशु मेरे सहयोगी वहां मौजूद है। जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं हिमांशु, असम पुलिस ने 153A माहौल बिगाड़ना, 153B1 देश के खिलाफ साजिश, 505 फर्जी खबर, 505(2) समुदाय में दुश्मनी। हिमांशु, ये पवन खेड़ा की हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अदालत में पेश हो रहे हैं समय पवन खेड़ा। हिमांशु, 120B यानी आपराधिक साजिश, ये धारा भी इसमें जोड़ी गई है। तो इतनी धाराएं लगाई गई हैं और निश्चित तौर पे जो पुलिस ऑडियो क्लिप है, जो वीडियो क्लिप है, उसी को आधार मानकर पुलिस ने इन तमाम धाराओं को जोड़ा है। और इसके अलावा सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई जगहों पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंप्लेन दी थी, और ये कंप्लेन ज्यादातर जो कंप्लेन थी वो जो बीजेपी शासित राज्य है उन्हीं राज्यों में दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की 2 FIR, एक लखनऊ में और एक बनारस में दर्ज हुई है, जबकि एक असम में दर्ज हुई है। तो इन सारी FIR को अब क्लब कर दिया जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखना होगा कि यहाँ की जो कार्रवाई है, जो द्वारका कोर्ट की, वो कितनी देर चलती है। ये डिपेंड करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो परवाना है वो कितनी देर में यहां तक पहुंचता है, क्योंकि ये तो अब बिल्कुल साफ है कि मंगलवार तक के लिए अंतरिम राहत गिरफ्तारी से पूरी तरीके से मिल चुकी है पवन खेड़ा को। उसके पहले इन्हें रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा, और इस दौरान जो तीनों FIR हैं उनको जोड़ने की भी बात है। तो यहाँ पर जो सबूत की अगर हम बात कहें, क्योंकि हमने पुलिस से, लोकल पुलिस से, दिल्ली पुलिस है, असम पुलिस है, हमने संपर्क करने की कोशिश की, तो जो मेन जो आधार है वो वही ऑडियो क्लिप है। और उसके बाद जो लोगों ने रिटर्न कंप्लेन बना करके बीजेपी में थानों में अलग अलग बीजेपी के लोगों ने जमा किया था, या कार्यकर्ता या आम लोगों ने, उसमें जो FIR हुई है, तो मेन जो आधार है वो ऑडियो, वो वीडियो ही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसे कांग्रेस स्लिप ऑफ टंग कह रही है। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि एक बार स्लिप ऑफ टंग होता है, लेकिन अगर इसे दोबारा कहा जाए तो ये जानबूझकर होता है। तो ये आधार बना करके FIR दर्ज की गई थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, इसलिए यहाँ द्वारका कोर्ट में क्या होगा ये स्थिति लगभग स्पष्ट है। जैसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आधिकारिक जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ से जो कोर्ट की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ कोर्ट के अंदर जो स्थिति हम बताएं आपको, कोर्ट के बाहर अच्छी खासी भीड़ है, न सिर्फ वकीलों की, बल्कि चूंकि कांग्रेस के नेता सुरजेवाला भी पवन खेड़ा के साथ है, तो कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं, आसाम पुलिस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग हैं, आला अधिकारी भी दिल्ली पुलिस के शामिल हैं, सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए गौरव, प्रोटोकॉल पूरा दिल्ली पुलिस ने फॉलो किया। अगर हम कहें कि कोर्ट से निकलने, जब थाने से निकलती है दिल्ली पुलिस, तो उसके बाद वो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां पर बकायदा मेडिकल कराया जाता है, और मेडिकल कराने के बाद पुलिस उन्हें यहां पर लेके आती है। और इस दौरान एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस को पता था कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो दिल्ली पुलिस कहे या आसाम पुलिस कहे, इनकी निगाह पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश आता है उसके बाद वो आगे की कार्रवाई। ये महज एक औपचारिकता है, आप कह रहे हैं महज औपचारिकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही अंतरिम राहत मिल जाएगी पवन खेड़ा को, सोमवार को फिर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे।